पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के 7 साल पुराने बयान पर भोपाल कोर्ट ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए विधान महेश्वरी ने धारा 500 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में कोर्ट ने 11 जनवरी को दिग्विजय सिंह को कोर्ट में तलब भी किया है। बता दें कि वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट को बताया कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उन पर आरोप लगाया था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं। उनके द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है, जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ, जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया और आम जनता के बीच उनकी आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई है, जिससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। पूरे मामले में कोर्ट ने पाया कि दिग्विजय सिंह ने प्रथम दृष्टया धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है, जिसके खिलाफ दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है।